हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को लेकर। बहुत सारे मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि इस पूरे एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का यहां पर ध्यान रखा जाए, तो इसी के बारे में यहां पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और जितनी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, अगर आप वो सारी बातों को फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। केवल चार बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है और उन्हीं पर यहाँ पर आपको अमल भी करना है। कैसे आप पहले बार में इस पूरे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक फर्स्ट अटैम्प्ट, और एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। पूरी तैयारी का यहाँ पर मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ और आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस जो मैं बातें बताने वाला हूँ उन पर यहाँ पर आपको अमल करना होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे परीक्षा योजना, इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का रहेगा, कितना यहाँ पर आपका टाइम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पूरे एग्जाम प्लान के बारे में। तो हिंदी पर ज्ञान एवं लेखन योग्यता फर्स्ट 50 क्वेश्चन, 100 अंक। सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 क्वेश्चन, 100 अंक। सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन, 100 अंक। 150 क्वेश्चन, 300 अंक यहाँ पर आपके रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। तो अब यहाँ पर हम कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न का अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम प्लानिंग के बारे में, कैसे यहाँ पर आपको इस एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में क्या क्या आपका पूछा जाएगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आप इस पूरे सामान्य हिंदी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सामान्य हिंदी में आपका आपठित गद्यांश का संप्रेक्षण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये सब आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा आपके वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आपका है शब्द रचना, यानी कि संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय। आगे यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, शब्द प्रकार, इसमें क्या क्या है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशी शब्द यहाँ पर आपके होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध, सूचक, विस्मय, बोधक, निपात, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पूछी जाएंगी। तो ग्रामर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके अलावा आगे आपका शब्द ज्ञान में क्या है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो गए, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। शब्द शुद्धि पूछा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका है परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, पक्ष, ये भी आपका ग्रामर का पोर्शन है, ये आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। वाक्य रचना, प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, वाक्य शुद्धि, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति यहाँ पर आपका हो गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो बोलियाँ हैं, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन आएगा, यानी कि पिछली बार 30 क्वेश्चन आया था, अब इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर आप करेंगे 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के, ठीक है। अब कहाँ से आप इसकी तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से पूरा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको 2 चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। पहली चीज़ ये आपको फॉलो करनी है कि आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद में इस ऐप को यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर मैंने जो आपको कोर्स दिया है अनअकैडमी पर, ठीक है, उसको यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ऐसे ही आपका खुलकर पूरा पेज आएगा जब आप इसको ओपन करेंगे। सर्चिंग में जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे, अभिनव सिंह, ये आपका नाम सर्च हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये फिल्टर हो गया, मेरा नाम अभी दिखा देगा।
मेरा नाम सर्च करने के बाद में जो एजुकेटर वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एजुकेटर वाला या यहाँ पर ये यह ऑप्शन दिया गया है एजुकेटर्स का, इस पर जाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको मेरे को फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे और मेरे द्वारा बनाएंगे सारे वीडियो अब तक पहुँचते रहेंगे। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने जो आपको क्रैश कोर्स हिंदी का दिया है उसको यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको जो है 50 क्वेश्चन में 45 प्लस लाना है तो जो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो यहाँ पर आपको फॉलो करने होंगे। सिंपल से आपको यहाँ पर जाना है क्रैश कोर्स, सबसे पहला कोर्स यहाँ पर आपका है, नीचे मिल जाएगा क्रैश कोर्स ऑन जनरल हिंदी फॉर यूपीएससी यूपीपीएससी आरओआरओ। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए है, ए टू जेड, आपकी हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के सभी एग्जामों के लिए है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी यूपीपीएससी आरओआरओ यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल सी सभी एग्जामों के लिए है। तो इसको यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आप इनरोल कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आप हो जाएंगे इनरोल और उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल जो है 33 यानी कि 33 लेसन यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगे। ये 33 लेसन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे लेसन यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या है आपका, देखिए एंटोनियम यहाँ पर यानी कि विलोम शब्द यहाँ पर आपका है, कारक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपके दिए गए हैं, संधि दिया गया, संज्ञा दिया गया है। ठीक है, संधि के 3-4 पार्ट दिए गए हैं, लिंग यानी कि हिंदी व्याकरण पूरा यहाँ पर आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा, सर्वनाम के बारे में, पर्यायवाची के बारे में यहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, विशेषण के बारे में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मुहावरों के बारे में सारे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी व्याकरण क्रिया के बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है तद्भव तत्सम के बारे में वीडियो मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो वाच्य होता है, काल क्या होता है, अव्यय क्या होता है, ठीक है, अव्यय के बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, समास के बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, यानी कि 33 वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी अब जो चीज़ें आपकी यहाँ से छूट जाती हैं, जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अभी हमने जो लेसन यहाँ पर नहीं अपलोड किया है, नहीं अपडेट किया है, वो सारे लेसन आप कहाँ से देखेंगे। ये आपका स्टेप हो गया फर्स्ट। अब स्टेप टू में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ किसका जो बाकी का जो पोर्शन है हिंदी का वो कहाँ से आप कवर करेंगे। तो अगर ये 33 लेसन आप कवर कर लेते हैं तो 100% श्योर हो कि आप 45 प्लस नंबर लेकर आएंगे इस पूरे पेपर में, यानी 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आप करेंगे और आपका यहाँ पर 100 नंबर का पूरा पेपर है आपका ये वाला हिंदी वाला पोर्शन, यानी कि 50 प्रश्न और 100 नंबर, तो 45 प्लस यहाँ पर आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये आपका है स्टेप पहला। और स्टेप दूसरे में क्या करना है आपको, आपको जाना है यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे स्मार्ट टैलेंट, सिंपल सा। ठीक है, और ये देखिए हिंदी इन डिटेल, ये आपको यहाँ पर लिखा है हिंदी इन डिटेल, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और इसमें जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं हिंदी के वो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा टोटल कंप्लीट जो है हिंदी के सारे वीडियो मिल जाएंगे जो वहाँ से छूट गए हैं। ठीक है, वर्तनी की वीडियो, वर्तनी उच्चारण, वर्तनी, ठीक है, लेखक से संबंधित सारे वीडियो, ठीक है, बाकी अन्य जितने भी आपके वीडियो हैं वो सारे यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 58 वीडियो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो 53 वीडियो यहाँ पर आपको पूरे कंप्लीट करने हैं इसके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका ये प्लेलिस्ट है, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो UP SSC नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट और ये सारी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देखनी है। देखिए UP SSC साइंस की वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पर आपके दिए गए हैं और जैसे कि ये UP SSC ये 38 वीडियो यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ, तो ये सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर हर एक वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का और हिंदी के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हिंदी का जो भी आपका रिवाइज करने के जो तरीका है, यानी कि हिंदी का जो क्विक रिविज़न है, वो पूरे वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो इसमें आपको ये सारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और मैं सारे वीडियो इसी में मैं ऐड करता रहूँगा। तो हिंदी में अभी तक जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आने वाले समय में हिंदी के लिए दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी जो है जितना भी जल्दी हो सकेगा सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे और जिससे कि आपका हिंदी में यहाँ पर आपका 45 प्लस आसानी से आपका क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा नंबर यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं हिंदी में। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे रीजनिंग को लेकर, यहाँ पर आपको क्या करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और उसी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी यहाँ पर आप बुक ले लें जो कि आपके इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका पेपर भी दिखा देता हूँ। इसका पेपर ये आपका दिया गया, देखिए ये पेपर इसका है पिछले साल का, यानी 2016 का ये पेपर है आपका। और इस तरह के प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे गए थे, ये देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर आपका, ठीक है। ऐसे इस तरह के यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। जैसे ये आपका डाइस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कितने यहाँ पर आपके चतुर्भुज, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन के यहाँ पर मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, सारे क्वेश्चन इसी तरह के यहाँ पर मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करवा भी रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी जो कि आप बुक खरीद लें इसके लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर आपके जो है पेपर में पूछे गए थे, तो इसी तरह के प्रश्नों का यहाँ पर आपको तैयारी अच्छे से इसका करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कहाँ तक पूछे गए हैं ये देखिए, इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जैसे देख रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक यहाँ पर आपकी बेस्ट रहेगी जिसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट जो कि पेपर में आएंगे क्वेश्चन, उन सारी क्वेश्चनों का यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसी तरह के प्रश्नों का यहाँ पर आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहना है, ठीक है। अब आगे अगर यहाँ पर हम बात कर लें अगले पोर्शन के बारे में, यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या है, सामान्य ज्ञान में आपको कंप्यूटर के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर आपको करने होंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ज्ञान का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और ईमेल वगैरह, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका पेपर है 2016 का, और लास्ट में यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, ये देखिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। तो नॉर्मली जो ट्रबल सी में क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना है, और पूछे जाते हैं, देखिए ये आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में तो ये हो गया, और कंप्यूटर के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं, तो कंप्यूटर के लिए कई सारी बुकें हैं। आपको सीधा सर्च करना है गूगल पे www.smarttalentabhi.com, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका ये पूरा उत्तर प्रदेश पर आधारित सारे प्रश्न, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जीके है वो यहाँ पर आपको कवर करना है, तो उसके लिए जो बुक है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री में मिल सकता है, वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये और बाकी दोस्तों इस पर उत्तर प्रदेश का जो जीके है उस पर हमने आपको वीडियो भी दिए हैं, तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे और आपको वीडियो इसका मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जीके पर, ठीक है। प्लेलिस्ट में कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आपका प्लेलिस्ट पूरा यहाँ पर दिया गया है, और इसमें जो है यूपी के जीके को लेकर एक यहाँ पर पूरा स्पेशल फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं। उसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका है प्लेलिस्ट, ठीक है, जहाँ पर हमने यूपी जीके उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका दिया गया है। इसमें 5 वीडियो हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आने वाले दिनों में इसका कंप्लीट जो अगले वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ये यहाँ पर आपके 5 वीडियो हैं, तो इन सारे वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक आप यहाँ पर ले लें यूपी जीके के लिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मैं लगातार यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे मैं लगातार आपको आने वाले दिनों में देता रहूँगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आपका जो आपके अन्य सारे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत का जो पूरा इतिहास उसके बारे में प्रश्न बनेंगे, भूगोल, भारत का भूगोल, भारत और भारत एवं विश्व का भौतिक आपका जो भूगोल है, उन सब के बारे में यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि आप एक अच्छी बुक है, और वहाँ से आप अच्छा कवर भी कर सकते हैं। बाकी मैं इस पर जो है लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, लगातार मैं आपको इस पर वीडियो दे रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पर, तो उसके लिए आपको सिंपल से कहीं जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जितने भी वीडियो इसके जीके के दे रहा हूँ वो सारे यहाँ पर आपको कवर करने हैं लगातार, ठीक है। तो इस फोल्डर को यहाँ पर आपको लगातार चेक करते रहना, जहाँ पर जीके के सारे प्रश्न मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगले वीडियो में आपको बुक भी बता दूंगा, तो आप चाहें तो बुक से कर सकते हैं। आगे यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। ये पूरा सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पेपर में आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। ये संविधान से क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। और करंट अफेयर पर यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, करंट अफेयर, ठीक है। तो उसकी वीडियो मैं लगातार यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर पर मैं आपको PDF लगातार भेजता रहूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे PDF वगैरह मिलते रहेंगे।
तो दोस्तों ये प्लानिंग है एग्जाम की, इस तरह से आप यहाँ पर अपनी तैयारी करें और अपनी पढ़ाई करें। सिंपल सा यहाँ पर आपको जो है 4 से 5 घंटे देने हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल हिंदी को कंप्लीट करना है, क्योंकि जनरल हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है और थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो 48-49 तक यहाँ पर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप हिंदी को अच्छे से करते हैं। तो दो चीज़ें हमने आपको बताई है, एक तो अनअकैडमी पर जो मैंने वीडियो दिए हैं और दूसरा यूट्यूब पर हमने जो वीडियो दिया हिंदी का। बाकी इसके अलावा मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और लगातार प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा, तो सारे प्रैक्टिस सेटों को यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है और उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। रीजनिंग भी दोस्तों मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी बुक मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बुक आप ले सकते हैं। और जीके में दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसको आपको यहाँ पर पढ़ाना है, ठीक है। आपका जो जनगणना 2011 यानी कि सेंसेक्स, उसको यहाँ पर आपको अच्छे से कर लेना है। करंट अफेयर यहाँ पर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका जीके का अन्य पोर्शन है उसको यहाँ पर आपको करना है, तो उसको आप लूसेंट से भी कर सकते हैं या अन्य जगह से भी कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सारे मैं लगातार यहाँ पर आपको देता रहूँगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करनी, बाकी बुक के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से आप बुक ले सकते हैं या ले लें जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।